हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज द चार्ज, हाउ इज द जोश? हाय, ओके। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वेरियस मीडियम से, टेलीग्राम पे या इनफैक्ट पर्सनल मैसेजेस के थ्रू बार बार पूछ रहे थे कि ऐप के बारे में थोड़ी और डिस्क्रिप्शन बता दी जाए तो अच्छा होगा, ज्यादा जो है समझने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, ये जो है यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ये देखो पेजेस जो दिख रहे हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि जो लेक्चर्स जो टॉपर्स या प्रारंभ या उदय या शिखर बैचेस के जो आप लेक्चर्स ऐप पर देखना चाहते हो, इसके अलावा जो हमारे दूसरे कोर्सेज ऐप पर है ना, तो वहां पे आपको एग्जैक्टली जाकर क्या करना है, तो उसको ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, है ना। प्ले स्टोर पे आपको EAZILY टाइप करना है, तो ये जो आपको इस तरीके का आइकन मिलेगा वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हो, सपोज आप रेकमेंड करते हो, ठीक है, तो जो भी नया यूजर है उसका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे पूछा जाएगा, आप मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। हाँ, अब नए यूजर की अगर बात करी जाए तो आपको अपना नया अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, अकॉर्डिंगली आपको जो है नेक्स्ट पेज मिल जाएगा। अब यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे 2000 प्लस जो वीडियोस हैं ये आपको मिलेंगी ऐप पर देखने के लिए। लोकेशन जो है वो आपको हमेशा ऑन रखनी है, लोकेशन क्या करनी है, हमेशा ऑन रखनी है, ठीक है। जो भी डिटेल्स यहाँ पूछी जा रही है, बेसिक डिटेल्स है, कोई बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब। ओटीपी के साथ आप इसको वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो स्टेप वाइज जो है, कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये जो वीडियो है ना, साथ में चलाते रहिए। लैपटॉप पे आप यूट्यूब प्ले कर दीजिए, जहाँ पे प्रियंका मैम आपको सारी डिस्क्रिप्शन देख रही है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब को देखकर फटाफट 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 वही नेक्स्ट पेजेस जो है करते जाने। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी आपको पर्टिकुलर कोई भी कोर्स जाके देखना है, तो यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज दिख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम के लिए वीडियोस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो IIT, JEE, नीट, बैंक या SSC हो। उसके अलावा अगर हम बात करें 11th 12th, जो अभी हमारे बैचेस चल रहे हैं कॉमर्स और साइंस में बोर्ड्स प्लस नीट की बात करी जाए, और कॉमर्स में बोर्ड्स की बात करी जाए, तो आपके चार बैचेस हैं, टॉपर्स, प्रारंभ, शिखर और उदय, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर CUET की लेना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी एक कोर्स पे जो भी आपको देखना है ना, उस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद ये देखो बेटा, इस तरीके से जो है ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपके सामने खुल रहे हैं, ठीक है। आप साइंस के बच्चे हो, अगर आपको साइंस के वीडियोस देखने, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइंस, ये जो आपको चेकबॉक्स दिख रहा है इसको टिक कर देना, ठीक है। जैसे ही इसको टिक करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके। ऑफकोर्स नेक्स्ट पे क्लिक करना सबको पता होता है। अब आपके सामने ये जो मेन पेजेस हैं, देख लीजिए अच्छे से, मैं एकदम साइड हो जा रही हूँ, है ना, तो आपके सामने इस तरीके के जो मेन पेजेस हैं वो आपको खुल जाएंगे। अब आप कौन सी क्लास में हैं आप उसको चेक कर दीजिएगा। यहाँ पे सैंपल आपको 12th क्लास दिख रही है, 11th में भी हो सकते हैं, तो उसको चेक करके फिर नेक्स्ट, हर बार नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। अब आता है आपका यहाँ पे मेन जो पेज है, इन प्राइस टैग्स पे मत जाइएगा, ठीक है। ये प्राइस टैग्स जो हैं, ये सैंपल प्राइस टैग्स हैं जो पूरे साल के कोर्स के लिए, पूरे साल भर के कोर्स के लिए जो है ली जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो जो आप बैचेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो कंप्लीटली फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये जो दिख रहा है वो अलग है, और जो रियल में आप पे कर रहे हैं वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो फ्री बैचेस है उसके लिए आपको कूपन अप्लाई करना है, तो यूज कूपन कोड फ्री इजीली, बस कूपन मांगेगा, कूपन में आपको फ्री इजीली टाइप करना है, फ्री इजीली टाइप करना है, वो टाइप करते ही आप सब कुछ एकदम फ्री में देख सकते हो, ठीक है। एड टू कार्ट करके बाद में आप कूपन कोड फ्री इजीली डाल दोगे, और यहाँ से आप अपने जो भी आपके रिक्वायर्ड वीडियोस हैं वो आप देखना शुरू कर सकते हो। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं बेटा, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे फिजिक्स में। तो पिछले लेक्चर का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जरा इसको रिमाइंड कर लो, है ना, थोड़ा सा आप रिकॉल करो। पिछले लेक्चर में हमने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो क्वेश्चन किस पे थे बेटा, कॉन्सेंट्रिक शेल्स के ऊपर थे, और हमने वेंडी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पे। बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। कौन सी कैटेगरी के लिए? नीट के लिए। अगर बात करी जाए बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में यहां से छोटे मोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, छोटे मोटे एमसीक्यूज कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। पर आपको पता है कि जो बोर्ड पैटर्न होता है, मेजरली अगर देखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? डेरिवेशन आपका उसमें पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग होती है ना। इसीलिए यहाँ से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनकर आते हैं वो सबसे ज्यादा नीट में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो पहले नीट में आ चुके हैं इस टॉपिक पे, जो प्रीवियसली नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक को मोटा मोटी कैसे समझा जाता है या इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आने की गुंजाइश है वो भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप ये देख लो, पहला क्वेश्चन आप इसको आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर। अगर स्फेयर की बात हो रही है, किसकी बेटा? स्फेयर की बात हो रही है, आइसोलेटेड सॉलिड मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया। स्फेयर का मतलब कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये चारों डायरेक्शन में बराबर होगा, तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी प्लस क्यू इसको चार्ज दिया गया है वो इसकी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, ओनली ऑन सरफेस बट नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम, नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन द सरफेस, ये इसका सही आंसर है। और इस क्वेश्चन की डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर्स में भी कई बार करी हुई है, पर ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा क्यों गया है, इससे आपको क्या क्या समझ में आता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में एक जगह ये बोला गया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वो सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा, तो ये कतई नहीं होता है। हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ही, सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म शेप हो उसकी या नॉन यूनिफॉर्म शेप हो। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो हमें कंडक्टर्स के बारे में याद रखना है कि कंडक्टिंग मटेरियल हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम इनसाइड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट यहां पे लिखवाई है ना बेटा, ये स्टेटमेंट बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं, चलो इम्प्लीकेशंस ही पढ़ लेते हैं पहले एक एक करके। कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम इनसाइड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल, क्या मतलब हुआ इसका और क्यों होता है इसको अपन समझ लेंगे, लेकिन पहले तो मतलब क्या हुआ इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, और ना भी हो, किसी भी इररेगुलर शेप का भी कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, तो चाहे तो वो रेगुलर हो सकता है चाहे वो इररेगुलर हो सकता है, ठीक है, शेप कैसा भी हो, रेगुलर हो या इररेगुलर हो, ये सॉलिड हो सकता है, अभी फिलहाल हम सॉलिड लेकर चल रहे हैं। तो अंदर से अंदर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो,
पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि ये अंदर से जो V इनसाइड है ठीक है वो कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है. इसको और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल हैज इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम. ये क्या कहा जा सकता है? कंडक्टिंग मटेरियल हैज इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम. अच्छा, ऑल्सो हमने पढ़ा है ई एट एनी पॉइंट, हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर, जहां पे माइनस साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि जिस भी डायरेक्शन में आप फील्ड को लेते हो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है. अब इस केस में फॉर द अबव केस इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, है ना? डी वी तो जीरो है, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट कॉन्स्टेंट है. तो फील्ड क्या होनी चाहिए? ई इन साइड क्या हो जाना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए. यहां पे हम ये बात समझते हैं, सबसे पहले जब आपने चैप्टर वन करा था तो ई इन साइड जीरो प्रूफ करा था, ठीक है, और इससे आप इसको प्रूफ कर रहे थे सेकेंड चैप्टर में. फर्स्ट चैप्टर में ई इन साइड जीरो प्रूफ करके सेकेंड चैप्टर में डीवी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो प्रूफ किया था. इनफैक्ट ये दोनों आपस में रिलेटेड है. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, उल्टा भी सही होगा. तो ये आपको याद रखना है. हमने बोला सॉलिड है, लेकिन इम्प्लीकेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आप स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ो तो क्या लिखा गया बेटा? कंडक्टिंग मटेरियल लिखा गया है. मान लो कि मैंने इसको क्रेव आउट करा, अंदर से कुछ निकाल दिया, खोखला कर दिया इसको अंदर से, ठीक है, खोखला कर दिया मतलब ये कोई रेगुलर इरेगुलर कैसा भी सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता था. सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर का कुछ पार्ट काट के अलग कर लिया, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कैविटी, है ना? जैसे दांत खोखला होता है कैविटी कहते हैं, ऐसे यहां अंदर से कुछ पार्ट निकाल लिया तो ये क्या है बेटा? ये अपनी कैविटी हो गई, ठीक. कंडक्टिंग मटेरियल किधर है? कौन सा मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है? तो ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, ये मटेरियल आपका कंडक्टिंग मटेरियल है. ये मटेरियल क्या आपका कंडक्टिंग मटेरियल है. क्या लिखा है? कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम इनसाइड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल. यानी कि जो नीले कलर का रीजन है, नीले कलर का रीजन है, ये तो इक्विपोटेंशियल है ही है, ठीक है. ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है. यानी कि यहां के किसी भी दो पॉइंट, यहां पे मैंने ये दो पॉइंट ले लिए पी क्यू, इन दोनों पे पोटेंशियल बराबर है, तो कंडक्टिंग मटेरियल में फील्ड हमेशा जीरो होगी, ठीक है. चाहे आप अंदर से खोखला उसको कर दो, फिर भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए सही है. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आता है, मैम हमने तो ये पढ़ा था कि अगर इसको चार्ज दे दिया जाए, इस केविटी वाले कंडक्टर को चार्ज दे दिया जाए, तो केविटी के अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको हम सेपरेटली डील करने वाले हैं. बात सिर्फ अभी किसकी हो रही है? बात हो रही है कंडक्टिंग मटेरियल की. केविटी का क्या होगा पढ़ेंगे. तो कंडक्टिंग मटेरियल जहां भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जहां भी कंडक्टर का मटेरियल प्रेजेंट है, वहां ये बात पक्की है कि पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन दैट रीजन? जीरो. ये बात पक्की है. केविटी को डील करेंगे. फिर से इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो. एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर की बात हो रही थी, उसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहां होगा? सरफेस पे. कहां होगा? सरफेस पे. एग्जैक्टली क्या होता है इसमें? पहली चीज तो ये कि ये अपना सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है. हो सकता था कि इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज होता, मान लो क्यू चार्ज इसके ऊपर पहले से था, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता था, ठीक है. तो क्या ये चार्ज यहां अंदर बल्क में प्रेजेंट नहीं हो सकता? अगर ये अंदर सब तरह से कंडक्टिंग है तो ये अंदर बल्क में प्रेजेंट नहीं हो सकता क्या चार्ज? तो इसको बेटा बड़े गौर से देखना कि इस चार्ज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. इस चार्ज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ऊपर पहले से चार्ज होता तो?
ये जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा, देखो कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है इसको बड़े डिटेल में समझना। कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि मेटल, बेसिकली आप नॉर्मली एलॉयज और मेटल को कंडक्टिंग कह रहे हो यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हो, एलॉयज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो फ्री चार्जेस है ना, देखो क्या होता है, जैसे मैंने मान लो कॉपर की बात करी, तो ना इन सबके एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, कॉपर 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 ऐसे डेफिनेट ना प्लेस है, ठीक है, सबकी एक डेफिनेट प्लेस है। तो यहाँ पे कॉपर बैठा हुआ है, यहाँ पे सब जगह क्या है, कॉपर बैठा हुआ है, ठीक है, कॉपर बैठा हुआ है। पर मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो रेडिली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो रेडिली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना, ध्यान से सुनना क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है छूट गया। अब समझना एक बात को कि एक लैटिस है, उस लैटिस में हर जगह कॉपर है, कॉपर के साथ क्या है बेटा, कॉपर के साथ क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे इफेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पे इफेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां हर जगह जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये एक पॉजिटिव चार्ज का कोर बन जाता है, क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज का कोर बन जाएगा। सारे कॉपर के जितने भी आयंस बचे वो सारे पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए, करेक्ट है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जाहिर सी बात है वो दोबारा उस एटम में घुसकर उसको न्यूट्रल ना बना दे, भाई इसकी प्रॉपर्टी है कि थर्मल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। तो इलेक्ट्रॉन फार्देस्ट इन पॉजिटिव आयन से फार्देस्ट रह पाए, दूर तक रह पाए, ठीक है, ज्यादा दूर तक रह पाए, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो चार्ज जब दिया जाता है किसी कंडक्टर को, ठीक है, किसी कंडक्टर को चार्ज जब दिया जाता है तो चार्जेस इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि सारा चार्ज कहां पे अपीयर होता है, सरफेस पे। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, और क्यों इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है उसको भी हम समझेंगे। तो वो सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ठीक है, एंड ऑल्सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे कि अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, जीरो। अंदर अगर चार्ज जीरो है तो अपन को पता है, अपन ने गॉस थ्योरम पढ़ी है, फाई जो है वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बल्क के अंदर क्यू नेट जीरो है, बल्क के अंदर अगर क्यू नेट जीरो है तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। बल्क के अंदर क्यू नेट जीरो है, फ्लक्स जीरो होगा तो फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल अगर है उसके ऊपर आप, ये तो क्यू इसके ऊपर पहले से चार्ज था, अब इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, आपने और एक्स्ट्रा चार्ज प्लस क्यू दे दिया, जितना देना है देते जाओ, सारा चार्ज क्या होगा, सरफेस के ऊपर ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ाया था, अगर सरफेस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाए तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है, क्या चार्ज अंदर लीक होना शुरू होगा, चार्ज बाहर लीक होना शुरू। मैंने कहा था एक वैन डी ग्राफ जनरेटर लो, है ना, ऊपर सरफेस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, अब क्या होगा, उसके पास अगर आप कोई दूसरा मेटालिक स्फीयर लाके रखो तो डिस्चार्ज होगा बिटवीन द एयर, और जो दूसरा मेटालिक, जो न्यूट्रल मेटालिक बॉडी आप लाए हो पास में, तो वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना, वो उसकी तरफ होगा, यानी यहाँ से स्पार्क देखने को मिलेगी फ्रॉम दिस वैन डी ग्राफ जनरेटर टू द अदर मेटालिक स्फीयर, ठीक है। तो जब सरफेस पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि चार्ज लीक हो, तो लीक होकर कहां जाएगा, चार्ज डिस्चार्ज होगा बिटवीन व्हाट, बिटवीन द आउटसाइड एयर, एंड जैसे ही उसको कोई शॉर्ट एस्केप मिलेगा, यहाँ पे आप कोई मेटल बॉडी ले आए, शॉर्ट एस्केप मिलेगा, एक्सेस चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाएगा थ्रू डिस्चार्ज, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शेप चाहे रेगुलर है, इरेगुलर है, जो भी है, जैसी भी है, नंबर वन कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर एनक्लोज चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज एनक्लोज जीरो होता है, अंदर फील्ड जीरो होती है, ठीक है, ओके। बेटा अब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, तो हम शुरू करते हैं पहले कंडक्टिंग
कंडक्टिंग शेल के साथ, फिर कंडक्टिंग स्फेयर के साथ, ठीक है, कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। अब ये जो स्फेयर है यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड की, क्योंकि शेल भी स्फेयर ही है, तो अंदर से मटेरियल कैसा है, फिल्ड है। फिर हम कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक शेल्स की बात करेंगे, ठीक है। कोसेंट्रिक शेल्स के बाद हम जो हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप कह सकते हो कि अगर इरेगुलर शेप हो, इरेगुलर कंडक्टिंग मटेरियल हो, तो इन सारे सब टॉपिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर को पढ़ना है, ठीक है। अब कंडक्टिंग शेल में फील्ड क्या हो, पोटेंशियल क्या हो एट वेरियस पॉइंट्स, वही फील्ड क्या हो, पोटेंशियल क्या हो एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। कोसेंट्रिक शेल्स में भी फील्ड क्या हो, पोटेंशियल क्या हो एट वेरियस पॉइंट्स, ये मेजर चीजें हैं जो आपको पढ़नी है मोटा मोटी, ठीक है। इरेगुलर कंडक्टिंग मटेरियल के होने से किन पैरामीटर्स पे फर्क पड़ेगा और किन पैरामीटर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबको जानने के पहले बच्चे बाड़ी सबसे पहले हम जानेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे, तो मान लो रेगुलर इरेगुलर कोई भी शेप है, ठीक, कंडक्टिंग मटेरियल की बात हो रही है, हमेशा अपने ये दिमाग में बिठा के रखना कि जो भी हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये हॉलो हो कि सॉलिड हो कि कुछ भी हो, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो बेटे यहां पे एक काम करते हैं कि गॉसियन सरफेस मान लेते हैं छोटी सी, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, ये गॉसियन सिलेंडर है, ये गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है। और इसको हमने यूज क्यों किया, क्योंकि जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये क्या है, ये टाइनी सरफेस है ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल सरफेस एरिया, तो पूरे जो मटेरियल के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है एंड इसका जो सरफेस एरिया है वो डी एस मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन सरफेस एरिया है, वन टू, और ये जो आपको दिख रहा है ना जो कर्व्ड एरिया है इसको मैंने थ्री नाम दे दिया। देखो राइट इनसाइड अगर बात करी जाए तो फील्ड क्या है बेटा, जीरो होती है, और मैंने आपको बताया कि क्यू एनक्लोज्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो इन एनी केस अगर मैं बोलूं फाइव वन निकालो आपको जीरो मिलेगा, राइट हैंड साइड की अगर बात करी जाए तो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम किसकी, कर्व्ड एरिया की। तो जब कर्व्ड एरिया आप लोगे तो किसी भी पॉइंट पे, जो कर्व्ड एरिया का कोई भी पॉइंट ले लो, यहां जब आप एरिया वेक्टर निकालोगे, ठीक है, तो एरिया वेक्टर और जो फील्ड होंगे वो एक दूसरे के नॉर्मल होंगे, क्योंकि फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कंडक्टिंग मटेरियल पे। और अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर की, गॉसियन, ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके एरिया वेक्टर की बात कर लो, तो ये फील्ड आपको ऐसी मिलेगी, एरिया वेक्टर आपको ऐसा मिलेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। इसीलिए ये जो थर्ड सरफेस है फाई थ्री, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे कोई भी स्मॉल एरिया वेक्टर ले लो नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो भी फाई नेट मिलने वाला है आपको थ्रू द गॉसियन सिलेंडर वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, जो इस सेकेंड सरफेस से जो भी फ्लक्स लाइन जा रही है फाई टू के बराबर होगा, ठीक है। फाई टू को आप क्या लिख सकते हो, ई डी एस कॉस जीरो डिग्री। यहां से अगर आप फील्ड को देखो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी, एरिया वेक्टर को देखो तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ बनेगा, है ना। इसका अगर आप इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके जूम करके देखोगे, इसको जरा जूम करके देख लो बेटा, है ना, तो जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो नॉर्मल टू द सरफेस तो फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एनक्लोज्ड को लिखा जा सकता है सिग्मा इनटू डीएस, राइट, बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहां पे बाय एप्सिलॉन नॉट लगा दो। चार्ज को आप लिख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टाइम्स डीएस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी ई डीएस के बराबर है, तो डीएस से डीएस कैंसिल हो गया, करेक्ट, डीएस से डीएस कैंसिल हो गया, तो जो फील्ड है, फील्ड कितनी आ रही है बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये फील्ड क्या है, ये फील्ड क्या है, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, चाहे कंडक्टिंग शेल हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, या किसी भी शेप का, ये शेप डिपेंडेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप, वेयर व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर एन कैप, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एन कैप लिख सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सॉरी, इज ऑलवेज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के हमेशा पैरेलल है, या और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको हमने पहले भी प्रूफ किया है कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टिंग सरफेस का एरिया है, यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस हैं, और मैं आपसे कह दूं कि जो फील्ड है वो एरिया पे परपेंडिकुलर नहीं है। लेट अस से कि फील्ड एरिया के साथ कुछ एंगल बनाती है, अगर ये एरिया के साथ कुछ एंगल बनाती है तो इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, करेक्ट, एक होगा जो अलोंग द सरफेस होगा ई कॉस थीटा, अलोंग द सरफेस, और एक होगा ई साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये जो कॉम्पोनेंट है ई कॉस थीटा, यहां पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, फोर्स अलोंग ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा की जो भी डायरेक्शन है उसके अलोंग यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है, चार्ज कंडक्ट करना शुरू कर देगा, चार्ज क्या करेगा, कंडक्ट करना शुरू कर देगा। हमें इसमें यह भी याद रखना है, हमें इसमें यह भी याद रखना है बच्चा पार्टी, क्या याद रखना है, देखो कि इनसाइड तो अपने पास इक्विपोटेंशियल, इनसाइड क्या है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, अंदर फील्ड जीरो है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया, बट सरफेस क्या है,
कंडक्टर की सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कंडक्टर की सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा, ठीक है, जो भी चार्ज इसके ऊपर आएगा वो स्टैटिक रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा। अंटिल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में ना चला जाओ कि आपने एक सिलेंड्रिकल वायर ले ली, उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी, लेंथ के अक्रॉस आपने फील्ड अप्लाई कर दी, लेंथ के अक्रॉस फील्ड अप्लाई कर दी, है ना, और अब आप देख रहे हो कि चार्जेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अंटिल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में नहीं जा रहे, जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हो, तब तक याद रखना कि सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और अंदर का वॉल्यूम क्या है? इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। फील्ड के बारे में फिर से ये लाइंस रिपीट कर दूं, सरफेस पे हमेशा कैसी होगी बेटा? नॉर्मल होगी। एरिया वेक्टर के कैसे होगी बेटा? पैरेलल होगी, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये ट्रू है फॉर एनी शेप, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहां लिखी है ये ट्रू है फॉर एनी शेप ऑफ द कंडक्टर, ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि केविटी वाला भी कंडक्टर हो सकता था। इसकी जो जस्ट पहले का लेक्चर था जहां पे हमने वेंडी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको दो तीन बातें पूछी थी, याद है कि नहीं है कि भूल गए? कि मान लो आपके पास कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है, ठीक है, ये क्या है? कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज इधर सेंटर में नेगेटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, कंडक्टिंग शेल्स है, ओके। सबसे पहले तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? सोचो, गौर से सोचो, और नहीं भी सोचना तो कोई बात नहीं, अपन है ना एक काम करते हैं, इस अंदर वाले शेल का नाम 1 दे दिया, बाहर वाले शेल का नाम क्या दे दिया? 2 दे दिया। अंदर वाले शेल के रेडियस को मैंने R1 लिख दिया और बाहर वाले शेल के रेडियस को मैंने R2 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर मुझे बता दो, अंदर वाले शेल का ये जो अंदर वाला पॉइंट है, क्या यहाँ फील्ड होगी? तो यहाँ फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए, करेक्ट। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज P, तो मैं पूछूं कि भैया फील्ड बताओ एट P कितनी होगी? अगर आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हो ऑफ रेडियस R1, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हो ऑफ रेडियस R1, तो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर, ठीक है, फील्ड आप निकालोगे, उसके अंदर क्या Q enclosed है? तो Q enclosed है, देखो माइनस Q है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर Q enclosed है कि नहीं है? है, तो फाई कितना हो जाएगा? Q enclosed by epsilon naught, फ्लक्स है क्या? है, फ्लक्स है तो क्या फील्ड होगी? हाँ होगी, फील्ड होनी चाहिए, है ना। एनीवेज कितनी निकालोगे? KE Q by R1 square, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, ऐसे हमें देखने में लगता है कि माइनस क्यू की वजह से, ठीक है, ये जो माइनस क्यू आपको दिख रहा है, इस माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी फील्ड होनी चाहिए? KE Q by R1 square, ये हमें दिख रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब होगा क्या, ये जो माइनस क्यू है ना बेटा, ये माइनस क्यू आप को पता है कि इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज इंड्यूस करता है अपने ऑपोजिट नेचर वाले चार्ज को, है ना, तो इसकी अंदर की स्फीयर पे क्यू इंड्यूस होनी चाहिए, राइट, क्या होना चाहिए? क्यू इंड्यूस होना चाहिए। कितना क्यू इंड्यूस होगा? प्लस क्यू, ठीक है, कितना क्यू इंड्यूस होगा? प्लस क्यू। अब जैसे ही यहां पे क्यू इंड्यूस प्लस क्यू हो जाएगा, फिर बाहर वाली जो कंडक्टिंग शेल है, बाहर वाली कंडक्टिंग शेल पे फिर से क्यू इंड्यूस होगा, ठीक है। अब इस पे ये प्लस चार्ज है, तो बाहर वाली शेल के ऊपर जो क्यू इंड्यूस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? माइनस
थ्योरी कहां गई, ध्यान से देखना। तो बाहर वाली शेल पे माइनस क्यू चार्ज है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूं कि अब R1 के लिए गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो। अब R1 के लिए गॉसियन सरफेस आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, कर लिया इमेजिन, वेरी गुड। अब मुझे बताओ उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू नेट क्या है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो क्यू नेट है, क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड, ठीक है, क्यू नेट कितना हो गया, जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो। तो चार्ज कहां गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिस्टम के अंदर पहले से माइनस क्यू चार्ज था, चार्ज कहां गया, फिर कहां है चार्ज, तो चार्ज माइनस क्यू है पर कहां गया बेटा, सरफेस के ऊपर चला गया, कहां चला गया, सरफेस के ऊपर। तो अगर आप इनफैक्ट कंडक्टिंग शेल के अंदर भी कोई माइनस क्यू चार्ज रख रहे हो तो भी वो चार्ज जा कहां रहा है, सरफेस पे, ठीक है। तो आप अगर बाहर से एक्सटर्नली भी चार्ज दे दोगे, ठीक है, कैसे भी आप चार्ज दे दोगे, तो चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सरफेस पे जाएगा। क्या चार्ज कंजर्व्ड है सिस्टम का, हाँ। अब देखो जरा, क्यू नेट तो जीरो हो गया। अगर अंदर क्यू नेट जीरो हो गया बेटा, ध्यान सुनना, अंदर क्या हो गया, क्यू नेट जीरो हो गया। तो अगर अंदर क्यू नेट जीरो हो गया तो फाई की जो डेफिनेशन है, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। क्या हो गया, अंदर फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो, जब आप फ्लक्स को जीरो रखोगे फिर आप ई डॉट डीएस करोगे और सारी कहानी वहां से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाए, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पोटेंशियल फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है ना। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ V1 कितना होगा V1, तो पोटेंशियल जब आप V1 निकालोगे तो सबसे पहले इसकी जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वन मान लेते हैं, इसकी जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा टू मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सिग्मा वन लिखोगे, एक बार सिग्मा टू लिखोगे, करेक्ट है, ओके। सबसे पहले तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूं ड्यू टू टू पोटेंशियल कितना होगा, तो टू के सरफेस पे जितना है टू की वजह से उसके अंदर भी उतना ही होगा। तो ड्यू टू टू अगर बात करी जाए कि ड्यू टू टू पोटेंशियल कितना है बेटा, तो ड्यू टू टू उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पे पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट के, चार्ज कितना है माइनस क्यू, ठीक है, ये सरफेस पोटेंशियल होगा, चार्ज कितना है सरफेस पे माइनस क्यू के बाय आर टू। अब ये क्या है, ये टू के सरफेस पे, तो टू के अंदर भी कांस्टेंट पोटेंशियल इतना होना चाहिए था, टू के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से अंदर भी उतना ही होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो वन है, वन के सरफेस पे कितना पी, उसके वन के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, पी कहां आ रहा है, वन के सरफेस पे, तो वन के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा बेटा, वन के सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फिर से देखना, ध्यान से देखना, ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस तो आप पोटेंशियल कितना लिखोगे, के ई क्यू बाय आर टू, क्या लिखोगे बेटा, के ई क्यू बाय आर टू। बट यहां पे एक एडिशनली चार्ज जो है जानबूझ के अंदर रखा हुआ है, एक चार्ज जिसके अंदर रखा हुआ है एडिशनली, अब लिखोगे तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे कितना होगा, के ई क्यू बाय आर वन, ठीक है, यहां पे आर टू नहीं होगा, ये आर वन होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से जब भी कोसेंट्रिक शेल्स आते हैं, पिछले लेक्चर पे हमने इसके दो क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, उन्हीं दो क्वेश्चंस पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि भैया ये बता दो कि तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, एक दो तीन, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, इसकी सिग्मा टू है, इसकी सिग्मा थ्री है। सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव भी दी जा सकती है कि मान लो कि सिग्मा वन जो है वो प्लस सिग्मा है, सिग्मा टू जो है वो माइनस सिग्मा है, सिग्मा थ्री जो है वो भी प्लस सिग्मा है। ये नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने बोला सबसे पहले
कि बताओ इस पॉइंट पे छोड़ो, मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पे कितना होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, इसको बी ले लेते हैं, है ना, तो इस पर पोटेंशियल निकाला जाएगा एक बार थ्री की वजह से। तो थ्री की सरफेस पे कितना है पोटेंशियल, वी थ्री मान लो, सरफेस पे जो इसका पोटेंशियल है वो होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसको वी टू मान लो, तो वो होगा ही होगा यहाँ पे, जो थ्री के सरफेस पे है उतना उसके अंदर होगा, तो वी थ्री होना ही होना है। टू के जो सरफेस पे वो तो होगा ही होगा। अब अगर बात करी जाए सिग्मा वन की, तो इसके सरफेस पे जो भी चार्ज हो सकता है, प्लस क्यू चार्ज है, जो भी चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये डिस्टेंस आर टू है, है ना, तो के क्यू बाय आर टू, है ना, इस तरीके से पोटेंशियल निकाला जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में आपका एक टॉपिक आता है टू फाइंड पोटेंशियल एट वेरियस रीजन बिटवीन द कोसेंट्रिक शेल्स, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 शेल्स हो जाएं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग दी हुई हो शेल की, तो हमको इतना याद रखना है कि शेल के अंदर पोटेंशियल उस रीजन में जो है कॉन्स्टेंट होगा, ये बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। कंडक्टिंग शेल है तो पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना उसके वॉल्यूम में कॉन्स्टेंट होता है। इस अप्रोच को लगाकर हम ये टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं केविटी की, ठीक है, तो ये अपने पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कोई केविटी है, ठीक, ओके। फिर से वही बात, जैसा कोसेंट्रिक शेल होता है वैसा ही केविटी होता है। अगर मैंने कहा होता कि यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, तो आप सबसे पहले क्या इमेजिन करोगे कि इस रीजन में क्या होना चाहिए, इस रीजन में चार्ज इंड्यूस होगा। ये जो इंड्यूस चार्ज है ये किसके बराबर होगा, प्लस क्यू के बराबर होगा। अब जैसे इसमें प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो इसके जस्ट ऑपोजिट माइनस क्यू, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें तो पहले से चार्ज बनेगा था कि इस केविटी के अंदर पहले से चार्ज जो है रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास केविटी है, ये केविटी है, ठीक है, ये केविटी है, और आपने बाहर कोई चार्ज रख दिया, मतलब कि इस कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया बाहर, अगर ये एक्सटर्नल चार्ज है, अगर ये एक्सटर्नल चार्ज है, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर कंडक्टिंग मटेरियल रखा जाए तो फिर से क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। और चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, है बेटा, चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू की वजह से यहां जो चार्ज इंड्यूस होना चाहिए वो कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू हो जाएगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, क्या होगा कि ये जो स्लैब के अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये पोलराइज हो जाएंगे, क्या हो गए, देखो पोलराइज हो गए, जब ये पोलराइज हो जाते हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, अब इनके पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखना, थोड़ा ये बन गए ऑपोजिट, इसको फिर से बना देते हैं, हमेशा याद रखना इंडक्शन जो है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर है वो इस तरीके से अलग हो जाते हैं कि जो ई इंड्यूस्ड बनती है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, क्या वो जीरो है, नहीं वो जीरो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस हो रही है फील्ड वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल जहां भी मटेरियल प्रेजेंट होगा, जहां भी मटेरियल प्रेजेंट होगा वहां पे ई नेट क्या होगी, जीरो होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इसी के बेसिस पे कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टीज खेलते हैं और एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बाहर किसी एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टिंग मटेरियल को रख दो, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, या उसके अंदर आपने कोई चार्ज रख दिया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये जो आपका मटेरियल है कंडक्टिंग मटेरियल, यहां तो
यहाँ तो ई नेट जीरो ही होगा, ई नेट जीरो ही होगा। हो सकता है कि अगर आपने अंदर कोई चार्ज रख दिया है ना, तो उसकी वजह से आपको यहाँ फील्ड मिले ना मिले चांस है, ठीक है। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमेशा ई नेट जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। तो देखते जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो। अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ इरेगुलर शेप, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। देखो, कोई भी सॉलिड पीस ऑफ मेटल है, उसका शेप इरेगुलर है, उस पे क्यू चार्ज रख दिया, तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा? शेप यूनिफॉर्म होता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। जैसे स्फेयर है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर इरेगुलर शेप में ऐसा ट्रू नहीं है। तो बोले यूनिफॉर्मली इन द मेटल ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस। देखो, यूनिफॉर्मली इन द मेटल ऑब्जेक्ट, ये तो वैसे गलत है। इनसाइड तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, सर्फेस पे होगा। यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सर्फेस पे होगा, बट यूनिफॉर्मली गलत है क्योंकि इरेगुलर शेप है। सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, दिस इज ट्रू। चार्ज का हमेशा, या किसी भी चीज का आप जब पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स, है ना, डाइपोल है उसको अपन ने टर्न कर दिया, टर्न करके वो मूव क्यों कर रहा है, टॉर्क क्यों लग रहा है उस पर, टू गेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता, है ना। सच दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। Four metal conductors having different shapes, sphere, cylinder, pear, lightning conductor are mounted on an insulating stand and charged. The one which best suited to retain charges for longer time. ऐसा कौन सा material है जो charges को लंबे time तक retain कर पाए? जो discharge कम करेगा वो ज़्यादा retain करेगा। Discharge कौन कम करता है charge का? Charge का discharge सबसे कम होता है जब सरफेस नुकीली ना हो। वेंडीग्राफ जनरेटर में मैंने बताया था कोरोना डिस्चार्ज के बारे में कि जो हेयर ब्रश होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज को अलाउ करते हैं जल्दी। स्फेयर की अगर बात करी जाए तो स्फेयर जो है सबसे बेस्ट सूटेड होता है डिस्चार्ज को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें स्फेयर, सिलेंडर, पियर, लाइटनिंग कंडक्टर, ऑफकोर्स स्फेयर। सिलेंडर में भी एजेस होते हैं, सिलेंडर में भी ये एजेस हैं जहां से डिस्चार्ज हो सकता है जल्दी। पियर शेप का मतलब है एक सिरा पॉइंटेड होना। लाइटनिंग कंडक्टर आपको पहले से ही पता है, वी शेप कंडक्टर है, ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, है ना। ये तो बना ही इसीलिए होता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसके पास आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सर्फेस हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग सर्फेस, कंडक्टिंग सर्फेस के जस्ट ऊपर जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट होती है ना, अभी हमने सॉल्व किया था। A cube of a metal given a positive charge Q for such a system, which of the following statement is true? Metal का cube है, उसको हमने plus Q charge बाहर से दे दिया। Electric potential at the surface of the cube is zero? नहीं बेटा। Electric potential within the cube is zero? नहीं बेटा। Electric field is normal to the surface of the cube? Yes बेटा। चाहे शेप स्फीयर हो, चाहे क्यूब हो, कुछ भी हो, इस पे आपने बाहर से चार्ज दिया हो, इसको बाहर की फील्ड में रख दिया हो, हमेशा याद रखो मेटल है मेटल, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमेशा इसके सरफेस पे कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे वो एजेस ही क्यों ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द क्यूब, गलत हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द क्यूब। अब बात करते हैं, क्यूब इज ऑल्सो यूनिफॉर्म बॉडी, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द सर्फेस ऑफ द क्यूब, हालांकि कॉर्नर्स पे थोड़ा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। इफ क्यू इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, देखो यहाँ पे बोला क्यू जो है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सर्फेस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, पर ए इज यूनिट एरिया, सो इसको आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, बिकॉज नीचे जो एरिया है वो वन यूनिट है, ठीक है। सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू द सर्फेस, इट हैज टू बी नॉर्मल टू द सर्फेस, ठीक है। अगला सवाल, ये प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चन है,
एंड एलिप्सोइड केविटी इज कार्व्ड विद इन अ परफेक्ट कंडक्टर. ये परफेक्ट अपना कंडक्टर है. अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द केविटी. यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है केविटी के ठीक सेंटर में. द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द केविटी सर्फेस. देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द केविटी इज इक्वल टू फील्ड नियर बी इन द केविटी. चार्ज डेंसिटी एट ए एंड बी आर इक्वल. पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सर्फेस इज टेकन इन. ओके, ये सारी कहानी जो भी हो बेटा, आपको पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो तो शेप पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है. तो दोनों का, ए का और बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है. बी जो है वो एलिप्सॉइड के डायमीटर के यहाँ पे ज्यादा क्लोज है मेजर डायमीटर के, करेक्ट है ना. तो चार्ज डेंसिटी सेम तो नहीं होगी क्योंकि वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी. लेकिन ये केविटी है और केविटी के अंदर हमेशा ऑलवेज पोटेंशियल जो है डेल्टा वी जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट. ये प्रिंसिपल तो हमेशा फॉलो होगा, है ना. तो इसका सही आंसर क्या है, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी. ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी. बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा. ए पे और बी पे डिफरेंट फील्ड हो सकती है, बट नेट फील्ड बात किसकी करी जाएगी, नेट फील्ड की. ठीक है, तो नेट फील्ड जैसे होता है ना केविटी में, नेट फील्ड को आप जीरो लिख सकते हो, है ना, पर फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है. ठीक है, अब बात करते हैं मेटेलिक शेल हैज पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट इनसाइड द केविटी. देखो केविटी के अंदर जो है अपने क्या कर दिया, एक पॉइंट चार्ज को रख दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो कौन सा जो डायग्राम है वो लाइंस ऑफ फोर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्लियर कट देख लो बेटा, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो फील्ड लाइन जो है वो कैसी बननी चाहिए, बाहर की तरफ. और अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप अंदर एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हो तो सर्फेस पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना. तो यहाँ पे सरफेस से फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, मतलब सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज था तो बाहर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. ठीक है, दूसरा ये कि कंडक्टिंग मटेरियल जो है, देखो यहाँ पे अगर आपने केविटी के अंदर चार्ज रखा है, केविटी के अंदर चार्ज रखा है तो केविटी के अंदर फील्ड हो सकती है, केविटी के अंदर चार्ज रखा है तो केविटी के अंदर फील्ड हो सकती है. लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल में फील्ड कभी नहीं होगा. तो यहां तो E is equals to zero होना ही चाहिए, है ना. तो ये गलत हो गया क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल में फील्ड को दिखा रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे फील्ड नॉर्मल नहीं है सरफेस के, यहाँ भी फील्ड नॉर्मल नहीं है सरफेस के, यहाँ पे फील्ड नॉर्मल भी है और कंडक्टिंग मटेरियल में फील्ड शो भी नहीं कर रहा. ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस है, है ना. तो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी सही है. ओके, कंसिडर अ नॉन स्फेरिकल कंडक्टर शोन इन द फिगर. आपको दिख रहा है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका शेप जो है पियर शेप्ड है. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ऑन द सर्फेस सच दैट. तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सर्फेस चार्ज डेंसिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही है, ये आइडेंटिफाई करना है. देखो बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये ज्यादा मोर स्फेरिकल है ना, और ये ज्यादा पॉइंटेड है. ज्यादा पॉइंटेड होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगी. ये तो पूरा फ्लैट है तो लोएस्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए सिग्मा 2, करेक्ट, और बीच में सिग्मा 1. तो बीच में सिग्मा 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट, इन दोनों में बीच में सिग्मा 1 आ रहा है. उसके बाद हाईएस्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2. तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, डी सही है. हाईएस्ट ये बीच में आ रहा है और ये लोएस्ट. ठीक है, तो दीज आर बेसिक नीट बेस्ड क्वेश्चंस जो पहले आ रखे हैं और ये टॉपिक ज्यादातर वैसे नीट में ही आता है, पूछा जाता है. सीबीएसई में इसके कुछ जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, सो आई होप बच्चा इतनी बात आपको क्लियर है. मैं फिर से एक बार पूरा लेक्चर जो है आपको समराइज कर दूं ढंग से, ठीक है, ताकि आपको कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं फील्ड की, ठीक है, तो फील्ड इनसाइड ठीक है हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी. नॉट इन द केस अगर केविटी के अंदर आपने चार्ज रख दिया है तो, ठीक है, अगर यहां पे कोई चार्ज रख दिया है तो नॉट इन दिस केस. ठीक है, ओके, यहां पे बात करी जा रही है किसकी, आइसोलेटेड कंडक्टर्स की. ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा अगर आपने इनको एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दिया है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है तो भी ये बात ट्रू है, ठीक है। फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस, चाहे कुछ भी हो। तो ये फील्ड के बारे में मोटा मोटी पॉइंट आपको पता होना चाहिए और पोटेंशियल, ठीक है। dv equals to zero, v is equals to constant, कहां पे? इन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ऑलवेज ट्रू फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, ऑलवेज ट्रू फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा इनसाइड कंडक्टिंग शेल्स, अगेन v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कितना होता है? जितना ऑन द सरफेस होता है। इसके अलावा इरेग्युलर शेप में सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? जहां पे जो एज है या जो सरफेस है वो ज्यादा पॉइंटेड है, ठीक है। ज्यादा पॉइंटेड होने का मतलब क्या है कि वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो पियर शेप्ड में जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो बेटा, ये मैंने एक पियर शेप्ड कंडक्टिंग मटेरियल मान लिया, ठीक है। ये मैंने सपोज क्या मान लिया, सेंटर, इसका जो बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर आ रहा है उसको मान लिया, ठीक है। अब यहां से इसका एक कर्वेचर बनाओ और इसका एक कर्वेचर बनाओ, ठीक है। तो देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो छोटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? स्मॉल है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो लार्ज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे जो सिग्मा बनेगा, ठीक है, ये सिग्मा छोटा होगा और यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो बड़ी होगी। तो इनवर्स रिलेशन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिस पे आप डीपीपी वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। ओके बच्चे पार्टी, तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।